हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश कैलेंडर 2013 का यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला, 2013 साल का यहाँ पे, और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे जो हिजरी ईयर या आ रहे 2013 में जो थी वो जो 1434 थी, और यहाँ पे 1435 यहाँ पे थी हिजरी ईयर। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कौन से महीने में कौन सी तारीख को कब क्या था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट जैसे कि हम जनवरी से करते हैं, जनवरी 2013 यहाँ पे, और इस मंथ में यहाँ पे सफ़र का महीना है, रबी अव्वल का महीना यहाँ पे, सफ़र का रबी अव्वल का महीना यहाँ पे है, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे हिजरी ईयर ये। 1 जनवरी 2013 को यहाँ पे सफ़र मंथ की यहाँ पे 18 तारीख है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1st, 2nd, 3rd, 4th जो ऊपर जो टॉप में जो डेट लिखी हुई है वो सब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई है, और नीचे जो 18, 19, 20, 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो सब उर्दू तारीख के, उर्दू मंथ के हिसाब से उर्दू डेट यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जनवरी को यहाँ पे 2013 को यहाँ पे ट्यूजडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे सफ़र मंथ की यहाँ पे 18 तारीख यहाँ पे थी। अभी हम देखते हैं कि रबी अव्वल का महीना कब से स्टार्ट हुआ था। तो रबी अव्वल का महीना जो स्टार्ट हुआ था वो 14 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था। 14 जनवरी 2013 मंडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे पहली तारीख थी रबी अव्वल महीने की, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे था हिजरी ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पे 31 जनवरी। 31 जनवरी 2013 थर्सडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे 18 तारीख जो थी रबी अव्वल महीने की यहाँ पे थी। तो ये हमारा हो गया जनवरी मंथ का। अभी चेक करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फरवरी मंथ का। फरवरी मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल आखिर का महीना यहाँ पे है। रबीउल अव्वल का, रबीउल आखिर का महीना यहाँ पे है, और इसमें हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे, 1434 यहाँ पे हिजरी ईयर है। तो हम देखते हैं कि 1 फरवरी 2013 को, 1 फरवरी 2013 को यहाँ पे फ्राइडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे 19 तारीख यहाँ पे थी। 1 फरवरी 2013 को यहाँ पे फ्राइडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे 19 तारीख थी। अभी हम चेक करते हैं कि रबी आखिर का महीना कब से स्टार्ट हुआ था। रबी आखिर का महीना जो स्टार्ट हुआ था वो 12 तारीख से, मतलब 12 फरवरी 2013 को यहाँ पे रबी आखिर महीने की यहाँ पे पहली तारीख यहाँ पे थी, और जो दिन यहाँ पे जो था वो ट्यूजडे का यहाँ पे दिन था। 12 फरवरी 2013 को यहाँ पे पहली तारीख थी रबीउल आखिर महीने की यहाँ पे। 28 फरवरी को यहाँ पे थर्सडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे 17 तारीख थी रबीउल आखिर महीने की यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया पूरा फरवरी मंथ का। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट मंथ का। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यहाँ पे जो है मार्च का, मार्च 2013, और इस मंथ में यहाँ पे जो रबीउल आखिर का महीना है, जमादिल अव्वल का महीना यहाँ पे है। रबीउल आखिर का महीना है, जमादिल अव्वल का महीना यहाँ पे, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे हिजरी ईयर है। 1 मार्च 2013 को यहाँ पे फ्राइडे का यहाँ पे दिन था, और उस दिन यहाँ पे रबीउल आखिर महीने की यहाँ पे 18 तारीख यहाँ पे थी। रबीउल आखिर महीने की यहाँ पे 18 तारीख थी, उसके हिसाब से रबीउल आखिर की 19 तारीख, 20 तारीख, 21 ऐसे यहाँ पे चलती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जमादिल अव्वल का महीना कब से स्टार्ट हुआ था। जमादिल अव्वल का महीना जो स्टार्ट हुआ था वो 14 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 14 मार्च 2013, और उस दिन यहाँ पे पहली तारीख थी जमादिल अव्वल महीने की। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखते हैं कि 31 मार्च को, 31 मार्च 2013 संडे का दिन था, 31 मार्च 2013 यहाँ पे संडे का यहाँ पे दिन था, और उस दिन यहाँ पे 18 तारीख जो थी जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे थी। 31 मार्च 2013 संडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे 18 तारीख जो थी जमादिल अव्वल महीने की। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ में आप देख सकते हैं अप्रैल 2013 में यहाँ पे जमादिल अव्वल का महीना है और जमादिल आखिर का महीना है। तो 1 अप्रैल 2013 को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 19 तारीख थी। 1 अप्रैल 2013 को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 19 तारीख थी, और उसके हिसाब से ये 20 तारीख थी 2 अप्रैल को, फिर 21 तारीख थी 3 अप्रैल को, ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू होते जाएगी। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे जमादिल आखिर का महीना कब से स्टार्ट हुआ था। जमादिल आखिर का महीना जो स्टार्ट जो हुआ था वो 12 तारीख से, मतलब 12 अप्रैल 2013 को यहाँ पे पहली तारीख थी जमादिल आखिर महीने की, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे है।
30 अप्रैल 2013 को, 30 अप्रैल 2013 को ट्यूजडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जमादल आखिर मैंने की यहाँ पे 19 तारीख यहाँ पे थी। नेक्स्ट चेक करते हैं मई, हमारा मई 2013 में यहाँ पे जमादिल आखिर का महीना है और रजब का महीना यहाँ पे है। जमादिल आखिर का रजब का महीना यहाँ पे है। तो 1 मई 2013 वेनसडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे 20 तारीख थी। 1 मई 2013 वेनसडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे 20 तारीख थी। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट जो है रजब का महीना कब से स्टार्ट हुआ था। तो रजब का महीना जो स्टार्ट जो हुआ था वो 12 मार्च से हुआ था, सॉरी 12 मई से हुआ था, 12 मई 2013, और उस दिन यहाँ पे 1 तारीख थी रजब महीने की। मतलब रजब का महीना जो स्टार्ट जो हुआ था वो 12 मई से स्टार्ट हुआ था, और जो दिन जो था यहाँ पे संडे का यहाँ पे दिन था, 31 मई 2013, 31 मई 2013 को यहाँ पे फ्राइडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे रजब महीने की यहाँ पे 20 तारीख यहाँ पे थी। नेक्स्ट है यहाँ पे जून का, जून 2013, जून के महीने में यहाँ पे रजब का है और शाबान का महीना, यहाँ पे रजब और शाबान का महीना है। तो 1 जून 2013 सैटरडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे 21 तारीख थी रजब महीने की। 1 जून 2013 सैटरडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे रजब महीने की यहाँ पे 21 तारीख थी। नेक्स्ट देखते हैं कि शाबान का महीना कब से स्टार्ट हुआ था। शाबान का महीना जो स्टार्ट जो हुआ था वो 11 जून से स्टार्ट हुआ था, 11 जून 2013, और उस दिन यहाँ पे 1 तारीख थी शाबान महीने की। यहाँ पे शाबान का महीना स्टार्ट हुआ था 11 जून 2013 ट्यूजडे का यहाँ पे दिन था। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 जून को, यहाँ पे 30 जून 2013 को यहाँ पे संडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे शाबान महीने की यहाँ पे 20 तारीख यहाँ पे थी। नेक्स्ट है यहाँ पे जुलाई मंथ का, जुलाई 2013 को यहाँ पे शाबान का महीना है और रमजान का महीना, यहाँ पे शाबान का और रमजान का महीना है जुलाई के मंथ में। तो 1 जुलाई 2013 को यहाँ पे शाबान की 21 तारीख थी, 1 जुलाई 2013 मंडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे 21 तारीख थी शाबान मंथ की। अभी हम चेक करते हैं कि 2013 में रमजान का महीना कब से स्टार्ट हुआ था। तो रमजान का महीना 2013 में जो स्टार्ट जो हुआ था वो 10 मई, सॉरी 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 10 जुलाई से वेनसडे का यहाँ पे दिन था, और उस दिन यहाँ पे 1 तारीख जो थी वो रमजान महीने की यहाँ पे थी। 10 जुलाई 2013 वेनसडे का यहाँ पे दिन था, और उस दिन यहाँ पे 1 तारीख थी रमजान महीने की यहाँ पे। और 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2013 को यहाँ पे 22 तारीख थी रमजान महीने की। यहाँ पे 31 जुलाई 2013 को यहाँ पे 22 तारीख थी रमजान महीने की यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अगस्त का, अगस्त 2013, अगस्त 2013 में यहाँ पे रमजान का महीना है, शावल का महीना यहाँ पे, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे चल रही है। हम ये हम देखते हैं कि 1 अगस्त 2013 को यहाँ पे 23 तारीख थी रमजान महीने की। यहाँ पे 1 अगस्त 2013 थर्सडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे रमजान महीने की यहाँ पे 23 तारीख थी। और 2013 में ईद उल फितर जो मनाई गई थी वो 9 अगस्त को मनाई गई थी, 9 अगस्त को 2013 को फ्राइडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे ईद उल फितर मनाई गई थी 2013 में, और उस दिन ही शावल का महीना स्टार्ट हुआ था। तो शावल की 1 तारीख जो थी 9 तारीख से मतलब महीना स्टार्ट हुआ था। अभी हम देखते हैं कि 31 अगस्त को यहाँ पे शावल महीने की यहाँ पे 23 तारीख यहाँ पे थी। 31 अगस्त 2013 को यहाँ पे 23 तारीख थी यहाँ पे शावल महीने की यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सितंबर, सितंबर 2013 में यहाँ पे शावल का महीना है, जुल्किद्दा का महीना यहाँ पे है, शावल का जुल्किद्दा का महीना यहाँ पे है, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे हिजरी ईयर है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2013 को, 1 सितंबर 2013 को यहाँ पे शावल की वो 24 तारीख थी। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो 8 सितंबर 2013 को यहाँ पे जुल्किता महीने की यहाँ पे 1 तारीख यहाँ पे थी। 8 सितंबर 2013 को संडे का यहाँ पे दिन था, और उस दिन यहाँ पे जुल्किता महीने की यहाँ पे 1 तारीख थी। और 30 सितंबर 2013 को यहाँ पे जुल्किता महीने की यहाँ पे 23 तारीख यहाँ पे थी।
ये हिसाब से यहाँ पे सितंबर का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अक्टूबर का, अक्टूबर के महीने में आप देख सकते हो कि जुल्किदा का महीना है और जुल्हिजा का महीना यहाँ पे, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे हिजरी ईयर यहाँ पे है। 1 अक्टूबर 2013 को, 1 अक्टूबर 2013 को यहाँ पे जुल्किदा महीने की यहाँ पे 24 तारीख है। 1 अक्टूबर 2013 को यहाँ पे ट्यूसडे का दिन है और उस दिन यहाँ पे जुल्किदा महीने की यहाँ पे 24 तारीख है। और जुल्हिजा महीना जो स्टार्ट जो हुआ था वो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था, मतलब 7 अक्टूबर 2013 को यहाँ पे जुल्हिजा महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 31 अक्टूबर 2013 को यहाँ पे जुल्हिजा महीने की यहाँ पे 25 तारीख यहाँ पे थी, और हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नवंबर 2013 में यहाँ पे जुल्हिजा महीना है, और जुल्हिजा महीने की यहाँ पे जो हिजरी ईयर जो है 1434 है, और मुहर्रम का महीना भी है और उसका मुहर्रम की हिजरी ईयर जो है 1435 यहाँ पे है। तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम जो हमारा फर्स्ट मंथ रहता है, इसके हिसाब से न्यू ईयर रहता है, तो हमारा जो ईयर जो चेंज हो गया यहाँ पे, तो हिजरी ईयर यहाँ पे जो चेंज हो गई, जैसे कि 34 जो थी अभी यहाँ पे 34 35 हो गई यहाँ पे, तो हिजरी ईयर यहाँ पे जो नया साल जो रहेगा उसके हिसाब से ईयर यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये हिजरी ईयर जो है यहाँ पे 1435 जो स्टार्ट होती है मुहर्रम महीने से यहाँ पे। तो 1 नवंबर को 2013 को यहाँ पे 26 तारीख थी जुलहिजा महीने की, और यहाँ पे हिजरी ईयर जो है 1434 यहाँ पे है, और मुहर्रम का महीना जो स्टार्ट होता है वो 5 नवंबर से होता है। 5 नवंबर 2013 ट्यूसडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे पहली तारीख थी मुहर्रम महीने की, और हिजरी ईयर जो है 1435 स्टार्ट होता है 5 नवंबर से। 5 नवंबर 2013 ट्यूसडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे पहली तारीख थी मुहर्रम महीने की यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 नवंबर 2013 को यहाँ पे 26 तारीख थी मुहर्रम महीने की यहाँ पे। 30 नवंबर 2013 को यहाँ पे मुहर्रम महीने की यहाँ पे 26 तारीख थी। नेक्स्ट है यहाँ पे दिसंबर, दिसंबर के महीने में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुहर्रम का सफर का महीना यहाँ पे है, मुहर्रम और सफर का महीना है, और सफर की यहाँ पे हिजरी ईयर जो है 1435 यहाँ पे है चल रही है। 1 दिसंबर 2013 को यहाँ पे मुहर्रम महीने के यहाँ पे 27 तारीख है, और 2 दिसंबर को यहाँ पे 28 29 30 है, तो पूरा 30वां चांद हुआ है, और उसके बाद में फिर 5 तारीख से सफर का महीना स्टार्ट होता है, मतलब 5 दिसंबर 2013 को यहाँ पे पहली तारीख थी सफर मंथ की यहाँ पे, और हिजरी ईयर जो है 1435 स्टार्ट हुआ था पिछले मंथ से नवम्बर से, और उसके हिसाब से ये हिजरी सॉरी सफर का महीना स्टार्ट हुआ 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, और इसके हिसाब से फिर लास्ट में जो है 31 दिसंबर को यहाँ पे जो तारीख यहाँ पे जो आती है सफर मंथ की जो है 27 तारीख यहाँ पे, 27 तारीख जो है 31 दिसंबर 2013 को यहाँ पे ट्यूजडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे सफर मंथ की जो है 27 तारीख यहाँ पे। तो मैंने आपको इस वीडियो में जनवरी से लेकर दिसंबर मतलब पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे 2013 का यहाँ पे कैलेंडर। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ सवाल पूछना है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किया, जैसे कि कैलेंडर 1960 से लेके 2022 का मैंने कैलेंडर अपलोड किया हो, उसकी अगर आपको लिंक चाहिए रहेगा तो मैं आपको मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको 2020 का सॉरी 2020 का 2022 का या 2001 का 2005 का या किसी भी आपको कैलेंडर चाहिए 1960 से लेकर 2022 तक, आपको पूरा उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर और जितने भी अदर ग्रुप्स है उसके अंदर भी आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।